दोस्तों, आम का सीजन चल रहा है और आम एक ऐसा फ्रूट है जिसके मिठास से लोगों के बीच के गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कह रहे हैं, पर दोस्तों हम सही कह रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान चाइना को आम भेज रहा है और शायद उससे मदद की गुहार भी लगा रहा है। वैसे तो ये दोनों देश कई समय से अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी अक्सर इनके रिश्तों में खटास आ ही जाती है, और खास करके अभी जब पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम इनके रिश्ते का आधार बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान आम को चाइना भेजता है, जो कि दोनों देशों के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं। पर कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चीन सैकड़ों सालों से आम उगा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने देश की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है, और यही वजह है कि चीन हर साल थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों से बड़ी मात्रा में आम का एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें, साल 2020 में चीन ने 84,000 टन आम को एक्सपोर्ट किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन के कस्टम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान से चीन भेजे जाने वाले आम की कीमत 2022 में $55,605 थी, जो साल 2021 के 127 और $200 से काफी कम है। वहीं दोस्तों बात करें अगर आम की मात्रा की, तो आपको बता दें कि साल 2022 में पाकिस्तान से 23.95 टन आम निर्यात किया गया था, और 2021 में 37.22 टन आम निर्यात किया गया था। वैसे तो पाकिस्तान से लगातार चीन को आम का एक्सपोर्ट किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी चीन की इतनी आबादी को आम की कमी तो महसूस होती ही है, और उसके लिए चाइना जैसा देश पाकिस्तान पर निर्भर है। कैसे पहुंचा पाकिस्तानी आम चाइना? दोस्तों ये तब की बात है जब साल 1968 में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अपने चीन के दौरे के दौरान चेयरमैन माओ को पाकिस्तानी आम पेश किए थे। चीनी नेता ने उस तोहफे को इतिहास में असाधारण बना दिया था। तो हुआ ये था कि उन दिनों चीन में सांस्कृतिक क्रांति का आंदोलन चल रहा था, और माओ ने ये फल खुद खाने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं को भिजवा दी, जिन्होंने उसे स्पेशल फ्रूट समझकर सुरक्षित कर लिया था, और बस तब से ही चीन को पाकिस्तानी आम भाने लगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान सिर्फ चीन को ही आम नहीं बेचता है, बल्कि वो कई देशों में भी अपना आम एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जिन देशों में आम बेचता है उनमें ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, चीन और यूरोप समेत दूसरे देश भी शामिल हैं। वही दोस्तों, पाकिस्तानी आम की चाइना में डिमांड बढ़ने की एक वजह ये भी है। दरअसल पहले कुछ समय से पाकिस्तान आमतौर पर देश के अंदर ही आम बेचता था या ईरान के लोगों को ही आम बेचता था, लेकिन हाल ही के दिनों में नजरिया बदला। कुछ समय पहले ही अचानक से चीन में पाकिस्तानी आमों की डिमांड बढ़ी। जी हां दोस्तों, दरअसल इसकी वजह है चीन पाकिस्तान कॉरिडोर का काम शुरू होना। दरअसल दोस्तों, चीन पाकिस्तान कॉरिडोर में कई सालों से चीन के इंजीनियर और लोग वहां पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और उन्होंने ही पाकिस्तानी आम का जायका जो है चीन पहुंचाया है। वो थोड़े बहुत आम सड़क के रास्ते चीन लेकर जाते थे, और बस इसी तरह से चीन में पाकिस्तानी आम का जायका पहुंचा, और वहां पर भी पाकिस्तानी आमों की डिमांड बढ़ने लगी। आपको बता दें कि वहां पर हालात ऐसे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तानी आम बल्कि हर तरह के आम लोग पसंद करते हैं, और ना सिर्फ वहां पर आम लोग बल्कि दोस्तों वहां पर अब बड़े बड़े नेता भी आम को पसंद करने लगे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस साल कुछ डेलीगेशंस ने दौरा किया है जो कि हर तरह की चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा आम में। आपको बता दें कि चीन के लोग फ्रेश आम के साथ साथ मैंगो पल्प और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्टेड होते हैं। आपको बता दें कि चीन में स्वीट स्मेलिंग, फाइबर फ्री और बड़े और पीले आम लोगों को अच्छे लगते हैं। वहीं बात अगर करें इसके वैरायटी की, तो चीन में सफेद चौसा और चनाब गोल्ड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, पर आम के लिए चीन में तीन तरह के बाजार हैं। एक गिफ्ट का बाजार है, एक सुपरमार्केट का, और एक वहां का लोकल बाजार। आपको बता दें कि गिफ्ट का बाजार बहुत अलग और महंगा है, यहाँ तक कि उनके बक्से भी डिजाइनरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। हालांकि फिलहाल ये मार्केट जो है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट के लिए सही नहीं है। दूसरी ओर वहां का लोकल मार्केट जो है वो बहुत सस्ता है, लेकिन आपको बता दें कि चीनी सुपरमार्केट पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे सही है, क्योंकि वहां आम की भारी मांग है और चीन ने भी हाल ही में प्रतिबंधों में ढील दी है, इसलिए भविष्य को लेकर अच्छी उम्मीदें भी हैं। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में पाकिस्तान के आम की चाइना में और ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि अभी पाकिस्तान के सिर्फ 1% लोग ही जो कि चाइना में आम को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ साथ और भी लोगों के बढ़ने की उम्मीद है। भले ही पाकिस्तानी आम की चीन में कितनी भी डिमांड हो और पाकिस्तान वाले चीन को आम भेजकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हो, लेकिन वहां के लोग अभी भी चीन के लोगों से व्यापार करने में कतराते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के व्यापारियों को चाइना को आम एक्सपोर्ट करने में दिक्कत भी होती है। आपको बता दें कि आम की खेती चीन की नीड्स के मुताबिक नहीं की जाती है, तो पाकिस्तान के व्यापारी
चीन को एक्सपोर्ट करके फायदा नहीं कमा पाते हैं। वहीं चीन पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करने की परमिशन भी नहीं देता है। हालांकि चीन का इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाना गलत है, क्योंकि हर देश की मिट्टी, वेदर कंडीशंस, इंसेक्ट्स और फलों की किस्में अलग अलग होती हैं। लेकिन फिर भी चीन इस तरह के प्रतिबंध लगाता है, जिस वजह से पाकिस्तान के ज्यादातर व्यापारी चीन के इस मापदंड पर खरे नहीं उतर पाते हैं। और इसलिए फिलहाल छोटे किसानों की इस व्यापार में कोई हिस्सेदारी इंटरेस्ट नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तान से चीन को आम भेजना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बाय एयर आम भेजना बहुत ही महंगा पड़ता है और ये सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान के छोटे व्यापारी नए पेस्टिसाइड्स खरीद ही नहीं पाते हैं। हालांकि कुछ चीजें अभी चीन पाकिस्तान कॉरिडोर की वजह से आसान हुई हैं, पर फिर भी अभी पाकिस्तान के लोग इसमें खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बात अगर पाकिस्तान और भारत की करें तो चीन में पाकिस्तान और भारत में से पाकिस्तान के आमों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। भारत भी दोस्तों चीन को आम एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले भारत इस चीज में बहुत पीछे है। इसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण सीजन ही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आम का सीजन भारत के मुकाबले थोड़ा सा लेट आता है और ये वजह है कि चीन ज्यादा आम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करता है। भाई दोस्तों आपको बता दें कि इसकी एक और वजह भी है। दरअसल पाकिस्तान की जैसी अब चाइना से सीधे बाय रोड कनेक्टिविटी है, तो ऐसे भी भारत की नहीं है और ये भी एक बड़ा कारण है। वहीं जैसे ही ये चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर पूरा हो जाता है, तब ये व्यापार और भी आसान हो जाएगा और उस वक्त पाकिस्तान के और भी छोटे बड़े व्यापारी इसमें भाग लेने लगेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद उत्पादन को रेफ्रिजरेटर में लोड कर दिया जाएगा जो सीधे चीन में उतरेगा। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बाद पाकिस्तान के आम 3 हफ्तों तक खराब नहीं होते। एक बार मार्केट में खुल जाए, एक्सपोर्ट आर्थिक रूप से बेहतर हो जाए, तो उत्पादक और एक्सपोर्टर दोनों ही इसमें आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के आमों की बात चल ही रही है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान में से कौन से आम बेहतर हैं। आपको बताते हैं कि आम भारत के मलिहाबाद का अच्छा है या फिर पाकिस्तान के शहर मुल्तान का। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, पर अक्सर यह सवाल विदेश में रहने वालों के लिए विराट कोहली बेहतर है या बाबर आजम, जैसी बहस में बदल जाता है। दक्षिण एशिया के ये दोनों ही देश आम के लिए मशहूर हैं, और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, पर दुनिया का 40% आम भारत में ही होता है। लेकिन फिर भी बात अगर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की करें तो इस मामले में पाकिस्तान और भारत लगभग बराबर ही हैं। दोस्तों हम सभी ने शायद आम की बहुत ही कम वैरायटी खाई हो, लेकिन दुनिया में आम की ऐसी कई किस्में भी मौजूद हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है। हम सभी ने शायद चौसा, दशहरी और लंगड़ा जैसे मशहूर आमों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि आमों की दुनिया इनसे बहुत बड़ी है। खासुल खास, गुलाब खास, शमसुल असमार, बदरुल असमार, महमूदुल असमार, अमीन कला, अमीन खुर्द, सरोखा खालिसपुर, सरोखा मुर्शिदाबाद, सरोखा शाहबाद, कच्चा मीठा, गोल भदैया, राम केली, फजरी, हुस्न आरा, रटौल, जर्दालू, बेगम पसंद, गुलाब जामुन। दोस्तों ये सब किसी के नाम नहीं है, बल्कि ये सब आम की किस्में हैं जो कि शायद आपने कभी नहीं सुनी हो। आपको बता दें कि भारत में आमों के लिए उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद बहुत फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर वहाँ के किसान खुद ये मानते हैं कि साल 1919 में मलिहाबाद में आम की 1300 किस्में थी, लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में शायद 600 किस्में भी नहीं बची हैं और यह नंबर हर दिन कम हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली असामान्य तौर पर गर्मी और उसके बाद पड़ने वाली सर्दी और बिना मौसम के बरसात ने आमों की पैदावार को बुरी तरह से प्रभावित किया है, और अभी भी दिन पर दिन आम की पैदावार कम होती जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगर पाकिस्तानी आम की, तो पाकिस्तान के आम जो हैं वो बेहद ही खास होते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के आम रूप, रंग और स्वाद में दुनिया से हटकर होते हैं। दोस्तों वैसे तो भारत और पाकिस्तान में एक जैसी ही आम की किस्में होती हैं, लेकिन फिर भी पिछले कई सालों से पाकिस्तान के लोगों ने आम की अलग ही किस्म पैदा कर ली है। इस वक्त दरअसल पाकिस्तान में 200 किस्म के आम पाए जाते हैं। वहीं बात करें कमर्शियल इस्तेमाल की, तो कमर्शियल इस्तेमाल में सिर्फ 10% ही आते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 राज्यों, पंजाब और सिंध में ही आम की पैदावार होती है, और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी, पर पाकिस्तान का 70% आम पंजाब से और 30% आम सिंध से ही आता है। पाकिस्तान के जिस क्षेत्र में आम की उपज होती है वह लगभग 470 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें रहीमार खान, मुल्तान और बहावलपुर के इर्द गिर्द के क्षेत्र शामिल है। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।